हाय, वेलकम टू एवरीवन इन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग शेडिंग देखेंगे, लाइटर टू डार्कर टोन। सो डोंट मिस और स्किप एनी स्टेप। यहाँ पे ग्रेफाइट पेंसिल से आउटलाइनिंग के बाद मैंने चारकोल स्टिक्स का यूज़ किया है, और चारकोल स्टिक में 3 स्टिक्स होती हैं, थिन, मीडियम एंड थिक। सो अभी मैंने सबसे थिन वाली स्टिक ली है, और इसमें मैंने अभी सिर्फ आउटलाइनिंग के लिए और जो मेरी लाइट टोन की शेडिंग है उसके लिए यूज़ किया है थिन चारकोल स्टिक को। You have to be very careful when you're using charcoal stick because charcoal sticks releases charcoal powder and it may destroy your sketch. Now I'm mixing my first layer with brush. You can use any brush. Now first layer of mixing with brush is done, और ये चारकोल पेंसिल का यूज़ करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें आपको जितने भी डार्क एरिया है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, जो वो चारकोल पेंसिल से नहीं ऑप्ट हो पाती है, तो वो आपको चारकोल पेंसिल का यूज़ करना पड़ता है। और उससे पहले बेस को और भी ज़्यादा स्मूथ करने की ज़रूरत है, तो यहाँ पर मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करने जा रही हूँ, और टिश्यू पेपर को वही आप इस तरीके से फोल्ड करें। और शेडिंग के टाइम यू हैव टू बी केयरफुल दैट यू आर नॉट मिक्सिंग ऑल लाइंस, ओके? यू विल नॉट मिक्स इट ऑन लाइन, डोंट टच द लाइंस एट ऑल। और अभी ये सेकंड लेयर की डार्कनेस कैमलिन पेंसिल से, चाकुल पेंसिल से कर रही हूँ मैं। Now I'm using my blending stump to blend second layer of charcoal. Now I'm doing my third layer, and we can get maximum darkness in third and fourth layer. So third and fourth layer में ही वो अपनी जो maximum darkness है वो grab कर लेता है। Now I'm lightening the area where I want to show light shading.
using normal eraser to clean border lines. To clean charcoal dust and eraser dust using this flat brush. If you're not getting anything, you can ask in comment box, and I hope you like this video. Share and comment. So thank you.